उसमें से 78% बच्चों ने पास किया। तो ये यूएसएमएली वन क्लियर करने का रेशियो इंडिया से जो बंदा यूएसएमएली वन दे रहा है वो इतना इजीली पास नहीं हो रहा है जितना तो वो भी पॉसिबल है कि वो अधूरा एजुकेशन वापस करके आता है, यूएसएमएली वन क्लियर करके आता है, तब उसे यहाँ मेडिकल काउंसिल सीआई देने की जरूरत पड़ेगी और देने के बाद वो यहाँ के एमबीबीएस में आ जाएगा। अधूरा एजुकेशन लेके आएगा मतलब पूरा यूएसएमएली वन क्लियर करके आएगा तब भी यहाँ पे एमबीबीएस माना जाएगा। बस ये लॉस होगा कि फीस जो उसकी होगी वो पूरी की पूरी उसे देनी पड़ेगी, वो उसको वापस नहीं मिलेगी। वो फीस जो है वो करीबन 60 से 70 लाख से 80 लाख के बीच में होती है यूएस में, और कंपेयर टू इंडिया के एजुकेशन में जो चीज़ 2 करोड़ की रुपये में एफर्ट हो रही है वही चीज़ वहाँ 80 लाख रुपये में हो रही है, और बच्चा बहुत अच्छे से यूएस पैटर्न में अमेरिका में सेटल हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोई गारंटी नहीं है, पढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी है, नहीं पढ़ेगा तो वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकता है ना। सवाल ये है कि इतने सारे कंट्रीज के ऑप्शन हैं अवेलेबल, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, और अदर ऑप्शन पे डे टू डे डिफिकल्टीज जैसे खाना पीना रहना लैंग्वेज ये सारी चीज़ें